वेलकम। आज हम रेडी प्लेयर वन मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करने लगे हैं। तो ये स्पॉइलर फ्री है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्लॉट या दूसरी चीज़ों के बारे में कोई भी डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये फिल्म देखने का मतलब बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। तो आप बेफिक्र होकर ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखेगा, शुरू करते हैं। जो गेमर्स हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये गेम्स खेली होंगी, पर जो गेमर नहीं होने मैं बता दूं, ऐसी गेम्स एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, वो काम कर सकते हो जो कि आप इस दुनिया में नहीं कर सकते। इस तरह से आप अपनी एक दूसरी लाइफ जी सकते हो। इस तरह की काफ़ी गेम्स है, जैसे सिम्स, अवतार लाइफ या सेकंड लाइफ, और इसी तरह की एक वर्चुअल दुनिया, एक वर्चुअल रियलिटी, एक वर्चुअल वर्ल्ड आपको इस मूवी में देखने मिलता है, जिसका नाम है ओएसिस, जिसे बनाने वाले जेम्स हॉलीडे अब मर चुके हुए हैं। और उससे पहले उसने एक मैसेज दिया था कि उसने उस वर्चुअल रियलिटी में कुछ कीज़ हिडन करके रख दी हुई हैं, और जो उस कीज़ को ढूंढ के उसके फॉर्चून तक पहुंच जाएगा, उसे ओएसिस के फुली कंट्रोल के साथ साथ उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। एक तरह से वो ओनर बन जाएगा इस चीज़ों का। तो हॉलीडे के सबसे बड़े फ़ैन जो कि वेड है, जो कि मेन लीड करेक्टर है इस मूवी का, वो इस कीज़ को ढूंढने की जर्नी में निकल जाता है, और उसका ही सारा एडवेंचर हमें इस मूवी में देखने मिलता है। अभी जो मैंने आपको प्लॉट बताया वो स्पॉइलर्स दिए बिना बताया, पर यकीन मानो इस मूवी में इस प्लॉट के अलावा बहुत कुछ भरा हुआ है। मज़े मज़े के एक्शंस, कॉमेडी, अमेजिंग वर्चुअल वर्ल्ड, और इस वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे मज़े की चीज़ कि आपके फेवरेट मूवीज़ या गेम्स से रेफरेंस, ईस्टर एग और करेक्टर्स देखने मिलेंगे। तो मूवी की स्क्रीन कभी भी खाली नहीं होती, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ देखने मिलता रहता है, तो आप बोर नहीं होते, क्योंकि आप मूवी को देखने के साथ साथ इस मूवी की स्क्रीन में हिडन ईस्टर एग भी ढूंढ रहे होते हो। तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसे अल्ट्रा एचडी में देखो, और 4K तो कमाल ही हो जाएगा ना। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी अभी तक हिंदी में डब नहीं हुई। दरमियान में खबर आई थी कि मूवी हिंदी में डब हो रही है, पर अभी तक नहीं हुई। और मज़े की बात ये मूवी मैं इतनी देर बाद इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी हिंदी डबिंग का वेट कर रहा था, जो कि अभी तक नहीं आई। मज़े की बात इसलिए है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जो कि हिंदी में नहीं डब होती, मैं इंग्लिश में भी उन मूवीज़ को इन्जॉय कर लेता, पर इस स्पेसिफिक मूवी के लिए मैंने इतना वेट किया कि इसकी हिंदी डबिंग आए, और फिर भी मैं इस मूवी को इंग्लिश में ही देख रहा हूँ। और अब जब मैंने इसे इंग्लिश में देख लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ जितना इसे इंग्लिश में देखने का मज़ा आया, मे बी हिंदी में देखने का मज़ा ना आता। रन टाइम की बात की जाए तो वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए छोटा पड़ सकता है, क्योंकि मूवी में बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से हर एक एज का बंदा इस मूवी को देख सकता है, बुड्ढे हो, बच्चे हो, किसी भी एज के हो, आपके लिए इस मूवी में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। पर अगर स्टैंडर्ड रेटिंग की बात की जाए तो मैं 12+ देता हूँ। वेबसाइट की तरफ से भी 12+ है, क्योंकि कुछ रिवीलिंग क्लोज और जो कंसेप्ट और सस्पेंस मूवी बनाया गया है वो मे बी छोटे बच्चों को समझ नहीं आ सकता, तो मेरे ख्याल से इतनी एज रेटिंग ठीक होगी। वैसे कुछ गड़बड़ी की बात नहीं है, न्यूडिटी या सेक्स सीन्स वगैरह नहीं है, तो आप बेफिक्र होगे इस मूवी को फ्रेंड्स, फैमिली, अकेले, भाइयों के साथ, बहनों के साथ बैठ के देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। बात यह मूवी बड़ी अच्छी है, तो मूवी में बहुत अच्छाई है, तो इसलिए इसे जल्दी शुरू कर देते हैं। पहले नंबर पे आते हैं कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में ये मूवी जो बेस्ड है वो बुक पे बेस्ड है, और ये अब नई बुक आई, ये बहुत पुरानी बुक है, तो ये बड़ी कमाल की बात है कि ये कॉन्सेप्ट पहले भी रखा गया था। अब तो इसे मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, और काफ़ी स्टूडियोज़ इसे ट्राई भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से सबसे पहले या फिर सबसे अच्छी तरह रेडी प्लेयर वन मूवी ने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है, क्योंकि प्लॉट में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। सेकंड नंबर में आते हैं करेक्टर डिज़ाइन, मतलब इस मूवी में जो अपने करेक्टर्स हैं उसके अलावा भी कुछ अलग अलग यूनिवर्स के करेक्टर्स हैं, उनका डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से माना गया। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है वर्चुअल इफेक्ट्स और CGI का काम। इस वर्चुअल दुनिया में कैसे सब वर्चुअल करेक्टर्स को कैसे वर्चुअली दिखाना है, वो बड़ी कमाल की चीज़ उन्होंने की है यार। अब अगला पॉइंट में मैं अच्छे से डिटेल में पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि मूवी आपको कभी भी बोर नहीं करती, आपके सामने हर वक्त कोई ना कोई डिटेल होती है जो कि आपको बस पॉइंट आउट करनी होती है, तो ये भी बात है बड़ी अच्छी इस मूवी के बारे में। बुराइयों में आ जाते हैं, पहले छोटी बुराई की बात कर लेते हैं। तो मूवी के मेन लीड विलन को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले हैं, उसके कुछ साइड करेक्टर भी थे उन्हें भी स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, उनके बारे में भी हम जानना चाहते थे, मज़ेदार होता कि कैसे वो इधर आए, क्या जी रहे हैं, उनकी क्या जर्नी है, तो वो हमें इतना एक्सप्लोर होते हुए नहीं नज़र आया। पर मेरे ख्याल से इसके सीक्वल में हमें ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि इसकी सीक्वल बुक रिटर्न हो चुकी हुई है, तो ऑफकोर्स सीक्वल मूवी तो आना पक्का है, क्योंकि मूवी फ्लॉप नहीं हुई, मूवी ने अच्छी खासी कमाई की है। सेकंड नंबर में जो मेन बुराई है वो है विलन की। विलन की कोई विलन वाली फीलिंग नहीं आई, बस उसे साइड में रखा गया, उसे भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, उसे कोई फोकस नहीं किया, हम उसकी नीयत के बारे में भी सही से नहीं जान पाए कि ओएसिस जब उसके कब्ज़े में आ जाता तो वो क्या करता, वो क्या करना चाहता था, तो उसके बारे में भी कोई ज़्यादा डिटेल हमें देखने नहीं मिली, और विलन वाली उसकी कोई फीलिंग भी नहीं आई। कास्टिंग काम या डायरेक्शन के हवाले से मेरे पास ज़्यादा बातें नहीं है, तो ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्शन का काम अच्छा था।
ऑडियंस की बात की जाए तो आप किसी भी जॉनर के फ़ैन हो, आपके लिए ये मूवी मस्ट वॉच बनती है। क्योंकि अगर आपको एक्शन पसंद है, कॉमेडी पसंद है, एडवेंचर पसंद है, रोमांस पसंद है, ड्रामा पसंद है, कुछ भी पसंद है यार, आपको आप इस मूवी को देख लो। क्योंकि इस मूवी में एक वर्चुअल दुनिया है और वर्चुअल दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, तो आप इस मूवी को ज़रूर लाइक करोगे। बात की जाए दूसरे लोगों के ओपिनियन के बारे में भी, तो काफ़ी सारे लोगों ने इस मूवी को पसंद किया हुआ है। IMDb और रोटन टोमेटो की रेटिंग बहुत बड़ा प्रूफ है आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। रिकमेंडेशन में मैं यही कहूँगा कि हर एक को ये मूवी देखनी चाहिए, ये मस्ट वॉच मूवी, अपनी ज़िंदगी में तो एक मरतबा ज़रूर देखना। और अगर हिंदी डबिंग आपके लिए कोई बड़ी डील बन रही है तो मेरा यकीन करो, इस मूवी का जाकर सिर्फ ट्रेलर देख लो, देखना आपका इंटरेस्ट बन जाएगा इस मूवी में। और यकीन मानो, इस मूवी को अगर आप 5 से 6 मरतबा भी देखते हो ना, तो फिर भी आपको इस मूवी में हर दफ़ा देखने में कोई नई डिटेल देखने मिलेगी, जो कि आपको ज़रा ही बोरिंग या डिसअपॉइंटिंग ये मूवी बिल्कुल नहीं करती। और एक और रिकमेंडेशन कि इस मूवी को अप टू 720p में देखना, मतलब कि 1080p 4K अल्ट्रा HD इन प्रिंट्स में देखना। 720p इस मूवी के लिए तो बना ही नहीं है, इस मूवी में 720p में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो यही कुछ मेरी रिकमेंडेशन थी। बाकी अभी तक आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको खुद ही पता चल गया होगा क्या ये मूवी आपके टेस्ट की है या नहीं, क्या आप इसे हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो क्या आपको ये मूवी देखनी भी है या नहीं। तो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, मे बी कोई वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे रिव्यूज़ या अदर मूवीज़ रिलेटेड DC मार्वल अपडेट्स डिटेल वगैरह देता रहता हूँ। मेरे इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।